करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर सीरीज चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 एंड दिस इज फिफ्थ लेक्चर ऑफ अवर लेक्चर सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, जो आपके लास्ट टू लेक्चर्स थे उसमें एक नंबर का सीरीज का गड़बड़ हो गया था। जो आपका थर्ड लेक्चर था उसको मैंने आपको फोर्थ बता दिया था, और जो फोर्थ लेक्चर था वो आपको मैंने फिफ्थ बता दिया था। तो ये जो आपका लेक्चर है ये आपका फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डिजिट में मुझे कंफ्यूजन हो गया था, तो उसको इग्नोर करना है बिल्कुल। तो ये आपका फिफ्थ लेक्चर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर में हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ ली थी। नस्ट इक्वेशन किसके रिगार्डिंग, नस्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी किसके रिगार्डिंग, वो पढ़ी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिगार्डिंग। और फिर दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने गिब्स एनर्जी चेंज पढ़ा था। क्या पढ़ा था, गिब्स एनर्जी चेंज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने गिब्स एनर्जी चेंज पढ़ लिया था। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट किस तरीके से इक्वेशन इसमें यूज करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के रिगार्डिंग फैराडे ने हमें जो दो लॉज दिए थे उनके बारे में भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आपको लेक्चर की तरफ लेके चलता हूँ, बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। देखिएगा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ रखा होगा, 10th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब हमने पढ़ी थी कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब पढ़ी थी, तो उसमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, नहीं किया था। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में करंट पास कराओ तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में अगर हम करंट पास कराएंगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे कि वाटर में अगर हम करंट पास कराते हैं, किसमें डिसोसिएट होगा, H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। इस तरीके से अगर हम किसमें करंट पास कराएंगे, NaCl में मान लीजिए करंट पास करा रहा हूं सोडियम क्लोराइड में, तो किसमें डिसोसिएट होगा, वो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो इस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड को करंट पास करा के डिसोसिएट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जब वो डिसोसिएट हो गए तो अपने चार्ज आयन, मतलब चार्ज स्पीशीज में चेंज होंगे, नहीं होंगे। चार्ज स्पीशीज मतलब जिस पर कोई चार्ज हो, जैसे कि आपका H2O H प्लस और OH माइनस में चेंज होता है, प्लस और माइनस चार्ज ही तो आ रहे हैं, चार्ज स्पीशीज है, आयंस बनने हैं। तो वो जो आयंस होते हैं अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ फटाफट भागते हैं और उनसे जाके चिपक जाते हैं, जिससे वो जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज हो सके। भाई ये तो इंसानी फितरत है, अगर मान लो आपको बुखार आया तो आपके ऊपर मतलब चार्ज आ गया एक तरीके से, तो आप अपने आप को क्या करना चाहेंगे, न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे, वापस से पहली वाली स्टेट में लाना चाहेंगे कि मेरे ऊपर कोई बुखार ना रहे, कोई चार्ज ना रहे। तो आप कहां जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई लेंगे और ठीक हो जाएंगे आप। ऐसे ही आयंस करते हैं, इनके ऊपर चार्ज आ गया तो अपनी पहली वाली न्यूट्रलाइज स्टेट में जाना चाहेंगे, जिससे क्या होगा, वो अपनी वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ सके। न्यूट्रलाइज होंगे किस तरीके से, न्यूट्रलाइज होंगे वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास, अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास। मान लीजिए Na प्लस है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज कौन सी इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास जाएगा। प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इतनी बात आई समझ में, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ आयन टुवर्ड द अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब जो आयंस है, आयंस का मूवमेंट हो रहा है किसकी तरफ, अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो छोटी डेफिनेशन है ये मैंने आपको पूरी अभी समझा दी है। तो देखिए इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। जो हमारा मोल्टेन NaCl है उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो NaCl है, NaCl किस तरीके से डिसोसिएट होता है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो जो NaCl है किस तरीके से डिसोसिएट होगा, मेरा Na प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस मतलब प्लस चार्ज है, किसकी तरफ जाएगा ये, माइनस वाले की तरफ। माइनस क्या होती है, मेरी कैथोड होती है, तो ये कैथोड की तरफ जाएगा। Cl माइनस क्या है, माइनस चार्ज है, किसकी तरफ जाएगा, प्लस वाले की तरफ। प्लस क्या होती है, मेरी एनोड होती है, तो एनोड की तरफ भागेगा और उसको जाकर चिपक जाएगा ये। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी और मेरी कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी ये देख लेते हैं। तो एनोड की तरफ कौन जा रहा है, Cl जा रहा है, और एनोड पे आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये हमने किसमें देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था। तो देखिए एनोड पे रिडक्शन करा दीजिए, कौन जा रहा है, Cl नेगेटिव जा रहा है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
सॉरी एनोड पे क्या होता है, एनोड पे आपका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। भाई ट्रिक पढ़ी थी ना ऑयल रिग, क्या पढ़ी थी ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे क्या कराना है हमें, ऑक्सीडेशन कराना है हमें, और ऑक्सीडेशन एनोड पे कौन जा रहा है, सीएल जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। 2Cl ले लिया हमने, अब दो मतलब 2Cl मतलब दो नेगेटिव चार्ज हो गए, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दीजिए, क्या बन गया हमारा Cl2 मॉलिक्यूल, न्यूट्रल बन गया हमारा, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन हो गया एनोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होगा, कैथोड पे कौन जा रहा है हमारा Na+, Na+ हमारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले लेगा, गेन कर लेगा, अपना रिडक्शन करा लेगा कैथोड पर, और क्या बन जाएगा हमारा Na बन जाएगा खाली, तो ये हमारा न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड पे हमारी रिएक्शन होती है। तो ये तो थी खाली हमारी मोल्टेन NaCl की बात, मोल्टेन NaCl मतलब सिर्फ NaCl है वहां पर और कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्वस NaCl की, तो एक्वस NaCl में हमारा एक्वस मतलब वाटर में डिजॉल्व है NaCl, तो वहां पे एक कंपाउंड वाटर भी तो हो गया, तो वाटर भी तो अपने आयंस देगा H+ और OH-, और Na+Cl के भी तो है हमारे आयंस है। तो इस तरीके से हम एक्वस NaCl का देख लेते हैं। तो एक्वस NaCl का क्या होगा, हमारा NaCl है, NaCl कैसे हमारा डिसोसिएट होगा, पहले की तरह Na+ और Cl- में, लेकिन अब ये एक्वस HCl है, तो इसमें एक्वस मतलब H2O भी है, तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा, H+ और OH- में डिसोसिएट हो जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी ये है कि यहाँ पर हमारे दो तो बन गए कैटायन, और दो बन गए हमारे एनायन, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज वाले बन गए और दो हमारे नेगेटिव चार्ज वाले बन गए। तो बात यह है कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन देगा इन दोनों में से, और एनोड पर हमारा कौन सा रिएक्शन देगा। तो इसको हम कैसे जानते हैं, इसको हम समझते हैं, मान लीजिए जो आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी आपको मैंने, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी, जो आपको मैंने इधर चार्ज शो भी करा था, उसमें कुछ वैल्यू थी E0 की, हमारी पोटेंशियल की वैल्यू थी। तो उससे हम देखेंगे कौन सा हमारा एनोड पे जाएगा, कौन सा हमारा कैथोड पे जाएगा। देखिए अगर कैथोड की अगर मैं बात करूं, तो कैथोड पर जिसकी हमारी E0 की वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारी कैथोड पे रिएक्शन देगा, और एनोड पे जिसकी हमारी E0 की वैल्यू कम होगी वो हमारी एनोड पे रिएक्शन देगा। इतनी बात आगे समझ में। देखिए कैथोड पे हमारे दो रिएक्शन हो सकती हैं, कैथोड पे कौन कौन जा सकते हैं, प्लस चार्ज वाले कैथोड पे जाएंगे, प्लस चार्ज वाले कैथोड पे जो जाएंगे, कैथोड हमारा कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज वाले हमारे किस पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। तो देखिए कैथोड पे हमारी ये दोनों रिएक्शन दे सकते हैं, दोनों की ही रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर देखेंगे इसकी E0 सेल वैल्यू क्या है। भाई कैथोड पे हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन करा दो, पहले Na वाली इक्वेशन लिख लो, Na++ इलेक्ट्रॉन क्या बन गया Na बन गया, फिर H+ वाली रिएक्शन लिख लो, H+ इलेक्ट्रॉन क्या बन गया हमारा हाफ H2 बन गया, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। अब देखना ये है दोनों में से कौन सी रिएक्शन हमारी कैथोड पे होगी। इस वाली रिएक्शन की जो E0 सेल वैल्यू होती है वो होती है -2.71 वोल्ट, ये आपकी E0 सेल, और इसकी जो होती है हाइड्रोजन की, आपको पता ही है हाइड्रोजन जीरो पे होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, तो हाइड्रोजन की क्या होगी मेरी जीरो की होगी E0 सेल, तो ये माइनस में है, ये हमारा जीरो पे है, तो ये वाली हमारी ज्यादा होगी नहीं होगी। तो कैथोड के लिए मैंने आपको क्या बताया, E0 सेल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है वो हमारी रिएक्शन हम प्रीफर करते हैं, तो ये वाली रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, प्रीफर हो जाएगी, इसको हम छोड़ देंगे, तो कैथोड पे हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली होगी। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद जो हमारा जो H+ है, H+ हमारा देखिए रिएक्शन में आया कहां से है, H+ तो हमारा H2O जब डिसोसिएट हुआ, वाटर डिसोसिएट हुआ जब ही तो आया, तो ये वाली रिएक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, H+ मेरा कहां से आया होगा, H2O जब हमारा टूटा किसमें, H+ और OH- में टूटा तभी तो हमारा H+ आया, तो एक तो हमारी ये हो गई, ठीक है, एक हमारी ये वाली रिएक्शन हो गई, दोनों को प्लस कर दो, इसकी नेट रिएक्शन आ जाएगी जो हमारी कैथोड पे हो रही होगी, तो नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, H+ H2O इलेक्ट्रॉन से H+ हो जाएगा हमारा, नहीं सॉरी H+ और H+, यहाँ पे लेफ्ट साइड में H+ है, यहाँ पे हमारा राइट साइड में H+ है, तो दोनों जब रिएक्शन लिखेंगे कट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बच जाएगा हमारा H2O, तो क्या आ गया हमारा H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आ गया, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या होगा हाफ H2 H+, तो ये वाला कट गया इस वाले H+ से, प्लस OH नेगेटिव, ये हमने नेट रिएक्शन इसकी लिख ली जो हमारी कैथोड पर हुई है। तो कैथोड की तो रिएक्शन हमारी आ गई, अब बात करते हैं एनोड की, एनोड पे हमारे कौन कौन से हैं, एनोड पे हमारे ये दोनों हैं, एनोड मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएंगे, तो ये दोनों हमारी रिएक्शन एनोड पे दे सकते हैं, और रिएक्शन क्या क्या होंगी, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन करा दीजिए, सीएल का ऑक्सीजन नेगेटिव का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ये हमारा न्यूट्रलाइज हो गया,
उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, OS कहां से आया होगा, H2O से आया होगा, जैसे हमने H+ लिखा तो इसकी पहली रिएक्शन लिख लेते हैं स्टेप बचाने के लिए, H2O plus O2 plus 4H plus plus 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई एनोड पे Cl के लिए और OH के लिए, ठीक है। अब इसकी इनोड सेल वैल्यू जो आती है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। तो इनोड सेल जो है ये है 1.36 वोल्ट और इस वाली इक्वेशन का जो इनोड सेल है वो है आपका 1.23 वोल्ट। अब मैंने आपको एनोड पे क्या बताया था कि इनोड सेल एनोड पे कौन सा कंसीडर करते हैं, कौन सी रिएक्शन प्रीफर करते हैं जिसकी वैल्यू कम होगी, ये मैंने आपको बताया था। तो हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू कम हो रही है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, ऑक्सीजन वाली जो हमारी है OH वाली रिएक्शन है इसकी वैल्यू हमारी कम आ रही है, प्रीफर हमें ये करना चाहिए, लेकिन सब भी प्रीफर हमारी ये वाली रिएक्शन होती है। अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका, ओवर पोटेंशियल का। तो देखिए होता क्या है, जो ये हमारी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ओवर पोटेंशियल हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये ओवर पोटेंशियल क्या बना है, तो ओवर पोटेंशियल होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस में वोल्टेज लगती है, हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए वोल्टेज लगती है हमारी, तो एक तो होता है हमारा थ्योरेटिकल डाटा जो हमारा पेपर पेन से होता है थ्योरेटिकल डाटा, और एक होता है हमारा एक्चुअल डाटा। तो जो हमारी थ्योरेटिकल वोल्टेज होती है और जो एक्चुअल वोल्टेज होती है जिससे हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा ओवर पोटेंशियल। तो ऑक्सीजन के केस में ओवर पोटेंशियल हो जाता है, मतलब डिफरेंस आ जाता है कुछ, मतलब कुछ ओवर पोटेंशियल हो गया, कुछ डिफरेंस आ गया एक्चुअल डाटा में और थ्योरेटिकल डाटा में, मतलब एक्चुअल वोल्टेज ज्यादा हो गई और थ्योरेटिकल वोल्टेज हमारी कम हो गई, और एक्चुअल वोल्टेज हमारी ज्यादा इतनी हो जाती है कि वो 1.36 से भी ऊपर निकल जाती है। जब वो 1.36 से ऊपर निकल गई हमारी, तो 1.36 तो अब कम हो गया, तो इस वजह से हम इस वाली रिएक्शन को प्रीफर ना करके इस वाली रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। तो एनोड पे हमारी ये रिएक्शन होगी, कैथोड की हमने ये रिएक्शन लिख ली, और जो हमारी मेन रिएक्शन थी NaCl जब टूट रहा था ये था। तो तीनों रिएक्शन को समराइज करके हम एक जगह लिख लेते हैं, NaCl वाली हमारी ये होगी, NaCl H+ में है, Na+ और Cl- देगा, कैथोड पे हमारी ये रिएक्शन यहाँ पे लिख ली, एनोड पे हमने ये वाली रिएक्शन प्रीफर करी थी ये यहाँ पे लिख ली। अब जो इसकी तीनों की नेट रिएक्शन होगी, जो पूरा सिस्टम में रिएक्शन केमिकल रिएक्शन अगर हुई, नेट रिएक्शन क्या होगी, ये जो तीनों रिएक्शन है इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो क्या होगा, देखिए हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट साइड में है, एक इलेक्ट्रॉन ये राइट साइड में है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, कट कर जाएंगे। बाकी सारा डाटा ऐसे लिख दो, NaCl NaCl H2O H2O और जो हमारा Cl नेगेटिव है Cl नेगेटिव भी यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा यहाँ पे प्लस Cl नेगेटिव गिव्स अस, सॉरी Cl नेगेटिव अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी तो एक Cl नेगेटिव आ रहा है, तो इस वाले Cl नेगेटिव से इस वाले ये वाला Cl नेगेटिव हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही थी। तो देखिए Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव करा, कट गया हमारा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, बाकी सारा डाटा ऐसे लिख दो, NaCl H2O NaCl H2O Na plus half H2 Na plus half H2 OH negative और half Cl, इस तरीके से ये हमारी जो आई है पूरी इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की नेट रिएक्शन आई है। किसकी आई है, एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया है तो उसकी ये नेट रिएक्शन आई है, कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन हुई है उसके बाद जो नेट रिएक्शन आई है वो आपकी क्या है, ये है। तो इस बेसिस पे ये आपका कॉन्सेप्ट है पूरा किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का। इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, लेकिन आपकी रिएक्शंस कंपाउंड चेंज हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी और को, हो सकता है H2SO4 को ब्रेक करा रहा हो, तो आप किस बेसिस पे करेंगे, E0 की वैल्यू के बेसिस पे करेंगे। कैथोड के लिए क्या देखेंगे, E0 सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एनोड पे आप देखेंगे कि E0 सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, हालांकि ओवर पोटेंशियल का ध्यान रखना है, ओवर पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। इतनी बात आई समझ में। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे फैराडे, फैराडे ने आपको दो लॉज प्रोवाइड किए इलेक्ट्रोलाइसिस से रिगार्डिंग। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट लॉ में अपने क्या कहा इन्होंने कि जो भी हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस में केमिकल रिएक्शंस अकर हो रही हैं इलेक्ट्रोड पर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी जो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी जितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होंगी उसके अंदर। केमिकल रिएक्शन से मतलब क्या है,
कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको मैंने पढ़ाया था, मतलब कुछ लिबरेट हो रहा था और कुछ डिपॉजिट हो रहा था। एक आपकी लेफ्ट साइड में जो थी वो एनोड थी और राइट साइड में थी कैथोड। तो एनोड वाली जो इलेक्ट्रोड थी वो हमारी क्या हो रही थी, थिन हो रही थी, और कैथोड वाली इलेक्ट्रोड क्या हो रही थी, थिक हो रही थी। तो कैथोड वाली में क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था और वहां से हमारा एनोड वाली से जा रहा था। तो जो हमारा डिपॉजिट हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, मतलब जो डिपॉजिट हो रहा है, कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जितना हम उसमें चार्ज प्रोवाइड कराएंगे। मान लीजिए मेरा W जो है, W क्या है, W ग्राम मतलब वेट है, W ग्राम हमारा इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी जितनी प्रोवाइड कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोवाइड करा रहे हैं, मान लीजिए क्यू कूलाम चार्ज की उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो W किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इतनी बात आई सामने। अब ये जो हमारा क्यू है, ये चार्ज तो है, इलेक्ट्रिसिटी तो है, तो किसके किसके इक्वल हो जाएगा, आई टी के इक्वल हो जाएगा। आई टी मतलब जो उसमें करंट है और कितने टाइम में कितना करंट प्रोवाइड हम करा रहे हैं उसके इक्वल हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा, आई टी के इक्वल हो जाएगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कॉन्स्टेंट आता है जो कि क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, क्या जाएगा, जेड आ जाएगा। और क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं आई टी लिख सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जेड आई टी। Z क्या है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, I क्या है, हमारा करंट है, और T क्या है, हमारा टाइम है। इतनी बात आई समझ में। अब आती है सेकंड लॉ की बात। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि अगर हमने बहुत सारे सेल को, हाफ सेल को एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उसके अंदर जो केमिकल चेंज आएंगे, जो भी रिएक्शन अगर हो रही होगी, वो किसके इक्वल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगी। इतनी बात आई समझ में। तो उससे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, मतलब मान लीजिए फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल के लिए W1 अपॉन E1, E1 क्या है, हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सेल इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। मान लीजिए बहुत सारे सेल हैं, तो इस तरीके से चलता जाएगा। सेल हमारे किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। इतनी बात आई समझ में। और इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा, किसी भी मैटर का हम निकाल रहे हैं, किसी भी मैटर के लिए अगर निकालेंगे, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे ऊपर, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे उसको, जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स इंटरचेंज वो कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड लॉ ऑफ फैराडे भी मैंने आपको बता दिया है। तो मैं समझता हूं आज का लेक्चर आपको, ये दोनों टॉपिक क्या पढ़े हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों टॉपिक आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और मैं समझता हूँ आज के लेक्चर के लिए दोनों टॉपिक इनफ रहेंगे। बाकी का जो हमारे टॉपिक्स रह गए, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, केमिस्ट्री सिर्फ समझ के चलना है, कॉन्सेप्ट का खेल है, और इसको सिर्फ नोट्स बनाते रहिए और बाकी कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, बिल्कुल आपकी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। और आपका इस चैप्टर में बचा क्या क्या है, कंडक्टेंस रह गया आपका, कंडक्टेंस में आपका रेजिस्टेंस आ जाता है, मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाती है, वो आपका एक लेक्चर का खेल है। उसके बाद आपका कॉलराज लॉ बचा है, वो आपका एक लेक्चर का खेल है। उसके बाद कुछ बैटरी सेल वगैरह ये आपको पढ़ानी है। तो मान के चलिए मेरे ख्याल से आपका ये आने वाले तीन लेक्चर में बिल्कुल आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आपका चैप्टर से मतलब है मेरा कि थ्योरेटिकल इसका पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसका एक लेक्चर आएगा, और 2-3 लेक्चर में आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन ही आपको मार्क्स देके जाते हैं, आपको पता ही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो कॉन्सेप्ट उससे भी जरूरी है। तो इस तरीके से आपके आने वाले 5-7 लेक्चरों में ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आने वाले 3 लेक्चर में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन और 3-4 लेक्चर में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं ये खत्म करा दूंगा। आशा करता हूँ आपको मेरे लेक्चर पसंद आते होंगे, स्टाइल पसंद आता होगा पढ़ाने का, और जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो चीज पसंद आती होगी आपको। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैप्पी लर्निंग।